धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है। भारत में धन्वंतरी जयंती अश्विन कृष्ण त्रयोदशी यानी धन त्रयोदशी को दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। किद्वंती है कि धन्वंतरी सागर मंथन के दौरान अमृत लाए थे। धन्वंतरी को विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का पूज्य देवता माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में शहर के बर्डी स्थित शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक धन्वंतरी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता, डॉक्टर मयूर गुप्ता, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता और डॉक्टर रचना गुप्ता उपस्थित थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से धन्वंतरी पूजन और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरी पूजन या धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद की उत्पत्ति किए हैं उनका दिवस है आज, जिसने बहुत जीर्ण रोगों और व्याधि से हमें मुक्त कराया है, इसीलिए ये दिवस हम पालन करते हैं। धन्यवाद। मैं धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सारे लोगों को सभी रोगों से मुक्त रखे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर रचना मयूर गुप्ता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से और मेरे तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्वंतरी जयंती की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्न निकले थे और उसी में से एक रत्न थे धन्वंतरी भगवान, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। उनके हाथ में आयुर्वेद, अमृत कलश, जलौका और चक्र था और उस आयुर्वेद में सारी जड़ी बूटियों और सारा वेद छुपा है जो हमारे चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, जो हमारे हिंदू मतलब समाज से जुड़ी हुई, जो संस्कृति से जुड़ी हुई, जो हमारी ये है चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद पद्धति ही है। तो वो उसकी उत्पत्ति धन्वंतरी जयंती से हुई है, यानी ये जो उत्पत्ति है, जो जन्मदिन है धन्वंतरी जी का, वो आज के दिन है, वो त्रयोदशी के दिन है, इसलिए इसे धन्वंतरी जयंती के नाम से जाना जाता है। और आज सभी वैद्य लोग धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं और धन्वंतरी जी हमारे सारे रोगों से मुक्त करते हैं। उन्होंने जड़ी बूटियाँ बताई है, जो आयुर्वेद बताया है, ये हमें बहुत जो दुष्ट ये है अपने रोग होते हैं उनसे हमें निजात पाते हैं, इसलिए हमें आज धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। आप सभी को दिवाली की और धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं।